तो हेलो गेमर्स, तो आज अपन गेम प्ले करने वाले हैं स्माइलिंग एक्स कॉर्प का। और ये उन्हीं में से एक गेम है भाई। जब मैंने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था आज से 6-7 महीने पहले कि भाई मैं हॉरर गेम्स के गेम प्ले ही रखूंगा अपने चैनल पर, तो ये भी एक उनमें से ही गेम था जिसका मेरे को स्टार्टिंग में ही गेम प्ले कर लेना था, पर इसका भी मुहूर्त नहीं बन पा रहा था। चलो फिलहाल इसका मुहूर्त बन चुका है और आज अपन इसका गेम प्ले करने वाले हैं। और यहाँ ना मैं एक थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी दे देता हूँ, आखिर यहाँ हुआ क्या है। तो देखो भाई, अपन अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे रहते हैं, लेकिन जब अपन उसे शट डाउन करके उठते हैं तो अपन एक खतरनाक से स्टूडियो में उठते हैं। हाँ भाई, ये चीज बहुत स्ट्रेंज है। लेकिन उससे भी अजीब बात ये है कि भाई जो अपने टीममेट्स रहते हैं उनको पता नहीं क्या ही हो जाता है भाई, वो अपना काम ही करते जाते हैं लगातार में, मतलब एकदम नॉन स्टॉप में। और भाई उनमें से किसी को भी होश नहीं है वो क्या कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो ध्यान ही नहीं है भाई आजू बाजू क्या हो रहा है। तो चलो अबाउट से मेरे को इतना ही पता चला था, अब अपन डायरेक्ट गेम प्ले पे आ जाते हैं। तो चलिए हियर वी गो। अपने प्ले को कर लिया सेलेक्ट, प्ले स्टोरी मोड, प्ले मिशंस। अच्छा, इसमें मिशंस का भी सिस्टम है। चलो ठीक है, तो मैंने तो भाई स्टोरी मोड के लिया और डिफिकल्टी अपने पास एक्सट्रीम तक है अपन, लेकिन इजी में प्ले करेंगे। चलो फिलहाल ये रही भाई अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। भाई क्या हिप्नोटाइज वगैरह कर रहे हो, क्या सीन है तुम लोगों के। और ओके, कुछ तो पावर का अलर्ट आ रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काट दी होगी। वॉज आई स्लीपिंग और मे बी आई वॉज हिप्नोटाइज बाय द स्क्रीन। हाँ भाई, हिप्नोटाइज टाइप का मेरे को भी लग रहा था। समथिंग टर्न ऑफ वगैरह वगैरह। ओके, अपन ने कोई न्यू प्रोग्राम इंस्टॉल कर रखा था सर्वर पर जो कि अपन को बॉस ने बोला था। ओके, तो भाई उसी प्रोग्राम की वजह से ना भाई सब हिप्नोटाइज हो चुके हैं। आई विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय दैट प्रोग्राम एंड एस्केप फ्रॉम द स्टूडियो। ओ भाई साहब, अपन को यहाँ से एस्केप करना है, लेकिन उसके लिए अपन को इसको डिस्ट्रॉय करने बोला है। आई मस्ट क्लोज दीज कर्टेंस एंड ट्राई नॉट टू बी डिस्कवर्ड। ओके, कौन से कर्टेंस भाई? ओ शायद ये वाले कर्टेंस। ओके तो ठीक है, अपन इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, इफ़ आई कुड फाइंड अ कॉइन आई कुड हैव कॉफ़ी। अबे इस टाइम पे इसको कॉफ़ी पीनी है वैसे? हाँ भाई पी लेना, तो इसको जो भी चाहिए। अरे भाई यहाँ तो अपन बहुत सारे कैबिनेट देख सकते हैं, वैसे कैबिनेट नहीं ड्रॉअर हैं। भाई मेरे को फुटस्टेप की आवाज़ आ रही। ओपे ये कौन है? हाँ ये मैंने ना भाई गेम के थंबनेल में देखा था, पर ये मेरे को इस साइड नहीं देख सकता क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है यार। ओके, मेरे को एक कॉइन मिल चुका है, इट कैन बी यूज इन वेंडिंग मशीन। भाई इसको कॉफ़ी पिलानी है फिलहाल अपन को। अब मेरे को कॉफ़ी मशीन ढूंढनी है कहाँ पर। भाई कौन है ये? भाई डरा दिया इसने। अबे ये तो काफ़ी स्लो है। अच्छा मैं इजी में खेल रहा हूँ ना, इसीलिए काफ़ी स्लो है। यू नीड अ की, पुट हियर अ फोटो। ओके एक सेकंड रुक। अरे यार ये यहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बाहर तो पार्किंग है और ये है लिफ्ट। ओके ये लिफ्ट अपन एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके टेक अ पिक्चर ऑफ द सेक्रेटरी व्हेन यू डिस्कवर हर सीक्रेट। ओके तो भाई ये सेक्रेटरी कहाँ मिलेगी? वो जो घूम रहा था वो सेक्रेटरी था? पता नहीं, फिलहाल तो मैं भाई एक वेंडिंग मशीन ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक कॉइन, मेरे को वेंडिंग मशीन मिल चुकी। कहाँ है भाई? अरे यार तू इधर ही आ गया। अच्छा सीढ़ी से आ गया भाई साहब, हम लिफ्ट से आए थे। ओके ये वाला डोर खोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई तो बैठा है भाई अंदर, कोई तो बैठा है। ओह ये क्या है भाई, जोकर की मौसी? अरे यार ये उसको क्या दिक्कत है, ये पीछे क्यों पड़ गया मेरे? अब एक इसने रास्ता बदल लिया साले ने, मैं इसकी वजह से घूम के आया था पूरा। ये वाले डोर खुल जाएंगे क्या? नहीं। अ सिक्योरिटी पास इज रिक्वायर्ड टू एसेस द एरिया। ओके यार वो फिर आ गया। और भाई देखो अंदर कितने सारे अपने जो भाई टीममेट्स हैं ना, ये सब देखो लगातार काम कर रहे हैं और इन सबकी स्क्रीन पे ना इनको हिप्नोटाइज कर रखा है। यार ये बंदा तो बड़ा ही डेंजरस है। अपन भाई यहाँ से पहले वेंडिंग मशीन में चलते हैं। चलो ठीक है, ये रही वेंडिंग मशीन, इसमें अपन भाई कॉफ़ी निकाल के पी लेते हैं जल्दी से। अबे इसको क्या हुआ? ओ इट्स स्मेल लाइक कॉफ़ी, आई वांटेड कॉफ़ी फॉर। अबे वो पागल यहीं आ रहा है, रन यू मस्ट हाइड बिफोर द बॉस अराइव्स। और भाई साहब मैं तो लिफ्ट में आ गया हूँ, जैसे ही वो इधर आएगा मैं यहाँ से ऊपर चला जाऊँगा। अबे वो मुझे देख नहीं पाया, मैं जबकि सामने ही था। अबे वो तो बैठ गया भाई, तो वो ठीक है जब तक एंजॉय कर रहा है अपन ऊपर चलते हैं। वो भाई मस्त चल कर रहा है, यहाँ पे कुछ तो आएगा भाई, वो वापस आ रहा है एक सेकेंड। इट मेक्स मी स्लीपी। अबे मैं उसकी साइड क्यों देख रहा हूँ, तो अगर वो उसको देख के मेरे को नींद आ रही है भाई, इसकी जगह बहुत ही खतरनाक है यार। द डोर इज लॉक्ड। अबे इसकी तरफ देखने, यार क्या हुआ, ये कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। अबे पागल है क्या, चलता चलता पीछे मुड़ गया साला। द न्यू प्रोग्राम दैट विल चेंज द वर्ल्ड। ओके क्या पता कौन सा नया प्रोग्राम है भाई इन लोगों का, लोगों को हिप्नोटाइज करने का होगा कोई प्रोग्राम। और यहाँ पे भाई मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है वो पीछे आ रहा है? अबे यार इसके लिए तो कोई क्रिप्टो की चाहिए रहेगी, क्रिप्टो करेंसी सुनी थी मैंने, क्रिप्टो की पहली बार सुन रहा हूँ भाई लाइफ में। एग्जिट डोर ऑफ द स्टडी, फर्स्ट आई नीड टू इन्फेक्ट द सर्वर विद अ वायरस। ये सब मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को सर्वर वगैरह पे भाई वायरस वगैरह डाल देना है। और यहाँ पे कुछ आ रहा है, फिल द प्रिंटर विद अ रीम ऑफ पेपर। ओके यार एक सेकेंड, इसको मेरे को प्रिंटर में लगा देना है और वो इधर ही आ रहा है। पहली फुर्सत में किसको?
फिलहाल मेरे को भी इतना ही समझ में आया कि मेरे को एक प्रिंटर ढूंढना है। चलो ठीक है, अपन आ चुके हैं ऊपर वाले फ्लोर पर और वो घूम रहा है नीचे, तो अपन को ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। यार यहाँ तो सारी डोर लॉक हो रखे हैं। यार ये सेक्रेटरी कुछ नहीं करेगी क्या? क्या 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 हुआ भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड, एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स है, ये क्या हो रहा है भाई? मैं किसी मेज टाइप की में आ गया हूँ। द डोर इज लॉक्ड, ओपन द डोर। ओके अच्छा ठीक है, चलो मैं वापस से अपनी जगह पे आ गया हूँ। और ये अंकल तो कुछ ख़तरनाक से लग रहे हैं भाई। ये सेक्रेटरी के साथ पता नहीं क्या ही दिक्कत है भाई, इसकी तरफ देखने में शायद मैं हिप्नोटाइज हो रहा हूँ। ओह भाई ये शिट, भाई साहब मैं बताने वाला था कि मैंने प्रिंटर का कुछ तो कर दिया है, वो प्रिंटर मेरे को मिल चुका था, अबे अटक कहे गए। चलो ठीक है, अपना डे टू स्टार्ट। अभी ये बाहर कैसे आ गई, ये तो चेयर पे बैठी हुई थी। ओ भाई पीछे से वो ना आ जाए, ये क्या चीटेंगे यार, ये मिनी रॉड की अम्मा क्यों आ गई मेरे पीछे? यार वो पहले आइसक्रीम सीरीज में मिनी रॉड ने परेशान किया, अब ये मेरे को अम्मा परेशान कर रही है इनकी। ओ भाई ये यहाँ से आ रहा है, वो वहाँ से आ रही है, ये क्या नौटंकी है यार। वो देखो सामने से उसकी सेक्रेटरी आ रही थी। ओके अभी लिफ्ट तो यहाँ है ही नहीं, शिट भाई लफड़ा हो गया ये तो। आ जा बेटा, बस उसकी सेक्रेटरी नहीं मिलनी चाहिए यार, मेरे को पता नहीं उसकी सेक्रेटरी अगर अपन को देख लेगी तो क्या होगा, मतलब वो शायद हिप्नोटाइज कर लेगी अपन को। और ये म्यूज़िक के साथ क्या ही दिक्कत है यार, वो सेक्रेटरी बाहर निकल गई है तो मैं उसके ही रूम में ना चला जाऊँ। अबे इसकी सेक्रेटरी बाहर ही घूम रही है भाई, जरा पहले तो ये डोर लगा दो और यहाँ से अपन कर्टेंस भी गिरा देते हैं। यार तुम अंदर बता जाना, ये सब खाली पड़ा हुआ है। यहाँ मेरे को कोई तो की मिली है, एन ओल्ड की। ओके और यहाँ पर भी एक डोर है, ये यहीं की थी या पहले से खुला था? नहीं नहीं भाई ये पहले से ही खुला था। चलो ठीक है, अपन ये सब भी ड्रॉअर खोल के देख लेते हैं अगर इनमें कुछ मिलता है तो। यार यहाँ कुछ तो मिला, अबे पागल है क्या, वो मैं स्क्रीन की तरफ देखने लगा था ना तो वो हिप्नोटाइज होने लगा था, पर मेरे को ऐसा लग रहा था वो यहीं आ रहा है। चलो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या मिला है अपन को? सिक्योरिटी कार्ड और पास। ओके और यहाँ पर अपन को एक कार की मिली है। यार मैं लेकिन ये उठाऊंगा तो ये ड्रॉप हो जाएगी, उससे शायद आवाज़ होगी तो ये अपने पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है सेक्रेटरी को निकलना है तो फिर अपन यहाँ से चलते हैं लेफ्ट और ये फेंक के आते हैं बाहर। यार मेरी किस्मत कितनी गंदी है यार, बहुत ही वाहियात किस्मत है मेरी। अरे भाई यहाँ पर भी एक कॉइन है। ओके आई गॉट इट भाई, अपन जितनी भी बार वो वेंडिंग मशीन खोलेंगे ना, और यहाँ पे अपन को एक बैटरी मिली है। हाँ ठीक है, तो भाई मैं जितनी भी बार वेंडिंग मशीन खोलूँगा ना वो जाके नीचे कॉफ़ी पीने चली आएगी थोड़ी देर के लिए। ओके फिलहाल अपन इसको ड्रॉप करके देखते हैं, अगर वो यहाँ साउंड सुन के आती है तो। अबे इसकी सेक्रेटरी सुन के आ जाती है, ये कैसे कर रही है मेरे को देख के ये कैसे टिकटॉकर टाइप चल रही भाई चलो ठीक है, मैंने यहाँ से कार की उठा ली है, इसको बंद करो और इसके नीचे एक सिक्योरिटी कार्ड और पास जो भी है वो। ओके तो भाई ये जैसे ही यहाँ से निकलता है ये रुक के हो गया, भाई तू अंदर मत आ जाना। पता नहीं भाई ये पेट पकड़ के हंसना वसना लगता है शायद। अब मेरे पास ना भाई एक बैटरी है, मेरे पास एक कार की है, एक ओल्ड की भी रखी है मेरे पास वहाँ, और मेरे को भाई कोई आइडिया नहीं है इनका मेरे को भी करना क्या है। चलो ठीक है अपन ने डोर तो फिलहाल लगा दिया, और यही एक चीज़ है भाई जिसका मैं थोड़ा आइडिया लगा पा रहा हूँ भाई। मेरे ख्याल से हाँ मेरे को लग ही रहा था ये यहाँ वर्क कर जाएगी। ये सब बंदों की हालत देखो भाई कैसी कर दी है यार उसने, ये कहीं और देख ही नहीं पा रहे हो। हेलो भाई एरिक, ओके इनके नाम भी है। अ वर्कर सीम्स हिप्नोटाइज्ड, यार इसका नाम क्यों आ रहा है तो इसका चेक करें। है वो सीन है भाई, मैं अभी लेकिन बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ, इसका नाम लिखा रहा है बाकी सब के में वो हिप्नोटाइज्ड है ऐसा लिखा है क्या? अबे ये यहाँ से कैसे आ गई? ओके फिलहाल अम्मा पीछे पड़ी हुई है, डोर लगाओ और यहाँ से घुसो अंदर। यार यहाँ पे ना मेरे को एक पासवर्ड चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, मैं क्यों डाल रहा हूँ भाई? भाई मैं पता नहीं क्यों ये पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ जब मेरे पास पासवर्ड है ही नहीं। यहाँ पर ड्रॉअर देखते हैं अगर कुछ मिलता है। ठीक है ये खाली, ये अरे इसमें कुछ है, बैटरी इट हैज़। अबे एक और बैटरी मिल गई मेरे को, वहाँ भी एक बैटरी मिली थी। चलो ठीक है ये देख लेते हैं, ये तो सब खाली पड़ा हुआ है। अबे मैंने कीबोर्ड ही उठा लिया भाई, मैं इसका क्या करूँ? अबे वो चलता चलता पीछे मुड़ गया भाई। चलो ठीक है वो जब तक बाहर गया मैं यहाँ के ड्रॉअर देख लेता हूँ भाई अगर इनमें कुछ मिलता है तो। ओके यहाँ कुछ तो मिला है, अ कंपोनेंट ऑफ सम काइंड ऑफ वेपन। ओह भाई साहब वेपन, लेकिन मेरे को ना भाई इसके पार्ट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ भी कुछ है, अ कंपोनेंट ऑफ सम काइंड ऑफ वेपन। ठीक है तो मैं इसको भी यहीं ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं है अभी इन सब का यूज़। ये भी एक कंपोनेंट है भाई वेपन का, और यहाँ पे जो मेरे को मिला है ये भी कंपोनेंट ही है वेपन का। यार मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है यार ये किस टाइप का वेपन बनने वाला है इधर। चलो ठीक है अपन ये भी उठा लेते हैं और इसमें देख लेते हैं, इसमें भी कुछ है भाई। ओह USB ड्राइव मिली है मेरे को। ठीक है यहाँ पर भी कुछ ड्रॉअर्स हैं, अबे खोलो ना बे। अबे वो इधर ही आ गया, कोई जस्ट बचे हैं, वो बहुत ज़्यादा पास में आ गया था मेरे। फिलहाल मेरे पास ना यहाँ पे एक पासवर्ड आया था, कंप्यूटर पासवर्ड। ओके यार ये एरिक वाला कंप्यूटर का पासवर्ड तो नहीं है? अबे रुक बे बताओ तो कौन से कंप्यूटर का पासवर्ड है, ये इतने सारे कंप्यूटर हैं
तो फिर शायद भाई कोई रूम अभी अपन ने खोला नहीं है जिसका ये पासवर्ड है, तो मैं इसको भी यहीं ड्रॉप कर देता हूँ। मैं एकदम से डर गया भाई, वो एकदम पलटी। तो ठीक है भाई, ये वाले अपन ड्रॉर खोल के देख लेते हैं, अगर कुछ मिलता है तो। देख तो नहीं रहा कुछ भी रखा हो जैसे, लेकिन ये भी खाली, ये भी खाली, इसमें पता नहीं कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं है, सब खाली है। ट्राई टू ब्रेक द प्रिंटर, समवन विल कम टू चेक इट। हु डिस्कनेक्टेड द प्रिंटर? भाई यार एक जो मेरे को कार की मिली है ना भाई, वो मैं यहाँ से बाहर निकल के शायद कार में लगा दूंगा, क्योंकि कार अंदर तो कोई काम ही नहीं है, कार तो जो भी है बाहर ही खड़ी है। पर मैं बाहर निकल लूँ कैसे? यहाँ पर भी एक डोर है, लेकिन ये डोर तो लॉक है। और यहाँ पर भी कुछ है भाई, सेफ बॉक्स कोड। ओ भाई रुको रुको रुको, सेफ बॉक्स तो मेरे को पता है भाई, ऊपर मेरे को एक रूम में मिला था, एकदम मत मिल जाइयो। ठीक है पहले तो ये डोर लगाओ। ये रहा सेफ बॉक्स भाई, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। 1 1 9 और 3 भाई यही था यार। इसके अंदर मेरे को दो चीज़ें मिली हैं, एक तो सर्वर डोर का कोड मिला है, और एक ये मेरे को कार्ड मिला है भाई, जो सीक्रेट एरियाज वगैरह में जा पाऊँगा। अब सर्वर डोर ढूंढना है मेरे को, तो अभी तक सर्वर डोर मिला ही नहीं है। यू कैन नॉट एंटर इफ द गार्ड इज देयर। कहाँ है गार्ड का? अंदर एक आदमी बैठा है भाई, तो भाई मेरे को इसको कुछ करके भगा। और ये ना सर्वर रूम का, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया भाई, ये जो सर्वर डोर कोड मिला है ना, ये अंदर काम आने वाला है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन यहीं ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि काम तो ये यहीं आना है। अब बस मेरे को ये इसको कहीं तो भेजना है यार, मेरे को पता नहीं यार मैं कैसे भेजूंगा इसको। अबे तेरी, दिस इज हेल, आई कैन नेवर एस्केप। अरे यार अपनी लाइफ ही खत्म हो गई। कोई डेथ सीन नहीं है क्या इसका? नहीं नहीं भाई, डेथ सीन तो है। आई एम ए प्रिजनर, आई मस्ट वर्क। ओ भाई उसने अपन को भी हिप्नोटाइज कर दिया वापस, और गंदा सा हंस रही है वो भाई। 2 hours later चलो तो भाई अपन ने जितना कंप्लीट किया था उतना तो अपन ने वापस से कंप्लीट कर लिया। और भाई सारे आइटम्स लाके ना मैंने भाई इसी रूम के बाहर ही फेंक दिए हैं। यार मेरे को फुट स्टेप की आवाज़ तो आ रही है भाई, पता ये रहा वही मैं बोलूँ, और मेरे को तुरंत भागना चाहिए यहाँ से, क्योंकि वो कभी भी, वो देखो वो पीछे पड़ गया भाई, वो वापस आ रहा था। फिलहाल मेरे को एक और भाई रुको, मेरे को लगा ही था भाई यहाँ का एसएस कार्ड मिला है अपन को। फिलहाल तो कर्टेन गिरा दो। हाँ अब ठीक है, अब सेफ है भाई अपन। ये सब क्या रखा है? ट्राई टू ओपन इट विद अ स्पेशल टूल। ओके साइबर रिचार्ज मशीन, ये तो मेरे को कोई स्पेशल टूल, यहाँ एक कुछ रखा है, ये तो स्क्रू ड्राइवर है भाई, स्पेशल टूल क्या होता है इसमें? देखते हैं इसे एक खुलता है नहीं। नहीं भाई ये इससे नहीं खुलता है, मतलब ये इसके लिए कुछ और ही चाहिए। पुट द लीवर इन द बेस। और यार यहाँ पर भी मेरे को एक डोर दिख रहा है, पर मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा भाई मैं इसको कैसे खोलूंगा। मे बी शायद यहाँ जो लीवर लगना है ना, शायद उससे ये वाला डोर खुल जाएगा। भाई जो इसकी सेक्रेटरी है ना, ये अपने पीछे नहीं पड़ती इजी मोड में तो। अरे यार वो चलते चलते मुड़ गया, ये जरूर पीछे पड़ता रहेगा भाई। ओके फिलहाल अपन इसको यहाँ ड्रॉप करते हैं। यहाँ मेरे को बहुत सारी की मिली। ओके इसने डरा दिया मेरे को यार, मेरे को बहुत सारी की मिली है यहाँ पे, मैं लगा के देखता हूँ किसी रूम में अगर लग जाए तो। अबे ये इस रूम में लग, किस्मत देख रहे हो मेरी कितनी गजब है। पहले तो ये बंद करो। ठीक है भाई, मैं टुक्के से ये वाले रूम में वाली की लगाया और वो काम कर गई। चलो ठीक है, अपन ड्रॉर खोल के देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आई कैन इंसर्ट अ यूएसबी। भाई मेरे को एक यूएसबी ड्राइव मिली थी भाई, मैंने वो ऑफिस वाले एरिया में देखी थी। पहले यहाँ के अपन ड्रॉर देख लेते हैं, फिर अपन वो यूएसबी ड्राइव उठा के लाते हैं, वो वैसे भी मैंने बाहर ही रखी हुई है फिलहाल। अरे भाई बहुत सही, वो गई है नीचे। और ये देखो ये पड़ी हुई है मेरे पास यूएसबी ड्राइव, रुको जरा जल्दी से चलते अपन। यहाँ मैं इंसर्ट कर देता हूँ यूएसबी ड्राइव। यार मेरे को डिवाइस का पासवर्ड भी मिला था यार, पासवर्ड भी मैंने यहीं कहीं बाहर ही रख दिया है। ओह ये यहाँ आ रहा है। फिलहाल इसकी अपन को कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये पीछे नहीं पड़ती है। ये देखो भाई कंप्यूटर का पासवर्ड अपन को मिल चुका है। अरे यार ये भी मिल गई है, HIKAC इसका पासवर्ड है। यू नीड अ कीबोर्ड, क्या ड्रामे। अरे भाई कीबोर्ड उठाने इसलिए आ रहा था भाई, एक एक करके मेरे को क्या क्या चाहिए पड़ रहा है। इसको भी यहीं ड्रॉप कर देते हैं। एक काम करो अपने ही कीबोर्ड उठा के ले जाते हैं ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, कीबोर्ड से मतलब उसको। ओके ये अपन ने भाई कीबोर्ड तो लगा दिया है, HIKAC। ओह भाई पासवर्ड तो डल चुका है। अब मेरे को भाई यूएसबी ड्राइव लगानी है। ये रही यूएसबी ड्राइव, जल्दी से उठाओ और जल्दी से लगाओ भाई। ओके डाउनलोडिंग इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर टू डिवाइस, ठीक है तो डाउनलोड वायरस अपलोडेड। ओके नाउ यू कैन गो टू द मेन सर्वर एंड इंट्रोड्यूस इट। सेकंड रुको, पेन ड्राइव उठाओ। और मेन सर्वर तो अपन को पता है नीचे, लेकिन यार वहाँ एक बंदा बैठा हुआ है, मैं उसको कैसे बाहर निकालूंगा यार। भाई इसको यहीं ड्रॉप करो। ये देखो यहाँ पर एक की पड़ी हुई है, वो भी इधर ही आ रहा है। अब ट्राई करते हैं ये वाली, अगर उस रूम में लग जाए तो ठीक, वरना ऊपर भी एक रूम है जो मेरे को देखना है, तो अगर ये वहाँ काम नहीं आएगी तो ये ऊपर ज़रूर काम आ जाएगी। ओके ठीक है तो दोनों लोग ऊपर जा रहे हैं, हालांकि दूसरे से अपन को उतना कुछ मतलब है नहीं। अब यार ये वाले रूम में देखते हैं अगर ये वाली की लग जाए। भाई ये यहाँ लग गई, इसको बंद करो। मशीन फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेपन, अरे वेपन के पार्ट्स तो मेरे को ऊपर मिले थे, तो इसको जरा अपन ओपन करते हैं। इट हैज़ नो बैटरी, क्लॉक रेडियो, आई मस्ट एग्जामिन इट। ओके तो इसको मैं कैसे एग्जामिन करूँ? इसके नीचे कुछ तो लिखा है, द रेसिस्टेंस, हूएवर यू आर ट्राइज टू डिस्ट्रॉय द मशीन दैट अलाउज देम टू डिस्चार्ज।
ये क्या भाई, पजल वजल खेलने लगे हो, क्या कर रहे हो यार? ये बंदे को मैं कैसे इधर बाहर बुलाऊं? आजा भाई, तेरी छुट्टी हो गई है, आजा भाई। वो कुछ नहीं बोलेगा, तू आजा बाहर। अरे यार, वो इधर ही आ गया, मेरे से ज़रूर बोलेगा भाई, तेरे से भले ही ना बोले। ये तो भाई, फिलहाल मैं तो यहाँ पे वेपन बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो जल्दी से चल के अपन ये वाला पार्ट भी लगा देते हैं। चलो, तो मेरे ख्याल से भाई यही वाला लास्ट पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो एक और कोई पार्ट अभी मिले क्या? शिट यार, किस्मत कितनी झंडू है भाई, अब मत मिलियो। गेट लगाओ पहले तो। ओके ठीक है, ये वाला पार्ट भी लग गया भाई, अब अपन मेक कर देते हैं। और भाई अपना वेपन कम्प्लीट हो गया। ओ भाई साहब, अपन को कुछ तो बहुत तगड़ा, अपन ने हैरी पॉटर की छड़ी टाइप की बना लिया। शूट द ऑब्जेक्टिव टू न्यूट्रलाइज इट। अब जरा रुको भाई, लेट मी ट्राई ऑन दिस गाय। चलो ठीक है भाई, अब मैं इस बंदे पे विंगारियम लेवियोसा करने वाला हूँ। अबे हो, ओके। ओ भाई साहब, बहुत ही तगड़ी वेपन है यार ये तो। ओ भाई, ये कैसा गिरा उचक के? यार इसमें लेकिन टाइम नहीं देखा कितनी देर के लिए गया, फ्यू सेकंड्स बस लिखा है। मैं इतनी मेहनत करके बनाया था इसको और मेरे को सिर्फ एक एमओ थी। यार मुझे ये राइट वाले बंदे के लिए कुछ करके यहाँ बुलाना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे बुलाऊं उधर। वो तो पूरा मन लगा के काम कर रहा है। ब्रेक दिस ऑब्जेक्ट फॉर द गार्ड टू कम, ट्राई टू ब्रेक द कंप्यूटर विद द स्क्रू ड्राइवर। हद है यार, मैं इतनी सी चीज़ के लिए कहाँ से कहाँ घूम रहा था भाई। मैंने हर एक कमरा देख लिया था, बार बार फिर से जाके उस गार्ड को बाहर बुलाने वाला हूँ। यू मस्ट हाइड बिफोर द बॉस अराइव्स। अबे बॉस आ रहा है, क्या हुआ? ओह, ये मेरे को देख के कैसे किया हैं? अरे भाई, यहाँ मेरे को कोड डालना है। ठीक है, मैं कोड लेके आता हूँ अभी। 1199, और ये रहा अपना कोड, ये अपना डोर खुल चुका है। ओके, ये तो मैं सर्वर रूम में आ चुका हूँ। इंसर्ट द यूएसबी की इनटू द कंप्यूटर टू डाउनलोड द वायरस। भाई मेरे पास बाहर ही रखी हुई है यूएसबी की। अरे यार वो आ गई। चलो यूएसबी उठाओ पहले तो। चलो ठीक है, अब मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अबे कुछ तो हुआ है। यू हैव इन्फेक्टेड द मेन सर्वर। चलो ठीक है भाई, मैंने वायरस डाल दिया इनके सर्वर में। ऑल इक्विपमेंट हैज बीन डिस्कनेक्टेड। ओ भाई, सारे बंदे ठीक हो गए, अपने सारे टीममेट ठीक हो गए, और ये सब भाग गए। नाउ यू कैन एस्केप फ्रॉम द हेलिश स्टूडियो। ओके, सम सिक्योरिटी सिस्टम्स हैज बीन डिसेबल्ड। ओके, ये वाली जगह तो मैंने देखी। अबे ये वाला रास्ता तो मैंने देखा है। यू मे और मे नॉट डिस्कनेक्ट द अलार्म, ईच एंडिंग विल बी डिफरेंट। अच्छा यार, मैं यहाँ से कार से एस्केप कर जाता हूँ ना भाई, मैं इतनी पंचायत में क्यों पड़ रहा हूँ? वैसे देखो मैंने ये वाला रास्ता खोल दिया है, पर मैं एक बार कार से एस्केप करके देखता हूँ अगर हो जाता है तो, वरना फिर मैं ये वाले रूम में वापस आऊँगा। और ये मेरे को रेड लाइट अच्छी नहीं लग रही है भाई, ये बंद करो कोई। चलो ठीक है, वो उधर जा रहा है, मैं चलता हूँ यहाँ से नीचे। अगर देखते हैं भाई कार एस्केप अगर अपना हो जाए, क्योंकि मेरे पास कार की तो है ही। अब देखते हैं भाई मेरे पास कौन सी कार की है। अभी ये वाली कार की थी। ओ भाई, मेरे को कार चलानी थी। ओके, अरे ठुक मत चाहिए, खैर निकल गया ना। तो भाई अपन एस्केप कर लिया, मत करो यार। ये एंडिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी यार। इस गेम की और भी एंडिंग्स हैं, और मेरे को शायद वो वाला डोर, जो पिंक वाला डोर था भाई, वहाँ पे मेरे को अंदर जाके एक बार देखना चाहिए था। मैंने ये नहीं सोचा था भाई वो कार ब्लास्ट कर देगा बाहर आके। चलो खैर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अपन ने बाकी लोगों को तो बचा दिया ना, भले ही अपन ने अपनी कुर्बानी दे दी। वैसे ये क्या बात हुई भाई, खुद मर गए और बाकियों को बचा लिए। चलो खैर कोई नहीं भाई। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप आपको गेम प्ले पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सब कुछ कर देना जो जो होता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible.